लैब्राडोर रिट्रीवर। ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो 2013 से आज तक इस दुनिया की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लैब्राडोर रिट्रीवर के प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ कितना है, और इसे घर में रखने में महीने में कितना खर्चा जाता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसका टाइटल है विच डॉग ब्रीड इज राइट फॉर मी, तो अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी डॉग ब्रीड लेना आपके लिए सही है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लैब्राडोर के कुछ बेसिक्स के बारे में। लैब्राडोर एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 55 से 62 सेंटीमीटर और वेट 29 से 36 केजीज के बीच में होता है। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि बीइंग अ फर्स्ट टाइम डॉग ओनर मेरे लिए सबसे सही ब्रीड कौन सी रहेगी, तो वो डेफिनेटली आपको लैब्राडोर ही कहेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? वेल, इस ब्रीड को बनाती बार एक ब्रीडर का जो मेन फोकस था वो था एक फ्रेंडली डॉग ब्रीड बनाना जिसमें वर्किंग कैपेबिलिटीज भी हो। तो वो जॉब्स जिनमें ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ, बाइट फोर्स और फाइटिंग स्पिरिट की जरूरत नहीं होती, उन कामों को करने के लिए लैब्राडोर ओरिजिनेट हुए थे। लैब्राडोर स्पोर्टिंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और खेलना पसंद करते हैं। अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो इन्हें प्रॉपर वॉक और कंसिस्टेंट एक्सरसाइज देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है। ध्यान रखें कि आपके पास कोई बैकयार्ड या किसी और तरह की ओपन स्पेस हो अगर आप इस ब्रीड को रखना चाहते हैं। अगर नहीं है तो आपको और ज्यादा एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। लैब्राडोर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें आसानी से ट्रेन कर सकते हैं, चाहे फिर वो एजिलिटी हो या फिर ओबीडियंस हो। अगर आप एक लैब्राडोर लेने का सोच रहे हैं तो बेस्ट तरीका इस ब्रीड को खुश करने का है पानी। अगर आपके घर में स्विमिंग पूल नहीं है, जैसे मेरे घर में नहीं है, तो आप एक प्लास्टिक का ले सकते हैं, या फिर किसी नदी में, बीच में, लेक में या किसी भी जगह में जहाँ पे पानी हो वहाँ पे अपने लैब्राडोर को लेके जा सकते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर को अलग अलग टाइटल मिले हैं फॉर बीइंग एन एक्सीलेंट डॉग ब्रीड विद फैमिली, चिल्ड्रन, सीनियर्स या किसी ऐसे के साथ जो फिजिकली या मेंटली थोड़ा अनवेल है। इनके प्लेफुल और जेंटल नेचर की वजह से बच्चे इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ये भी उन्हें उतना ही पसंद करते हैं। इनके लिए एक स्ट्रेंजर आदमी सिर्फ वो है जो इनके साथ खेल सकता है। तो इन सब ऑलराउंडेड स्किल होने की वजह से लैब्राडोर को परफेक्ट डॉग ब्रीड माना जाता है फॉर फर्स्ट टाइम ओनर्स। अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड लैब्राडोर का प्राइस जानने से पहले 2 सेकंड निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास अभी एक डॉग नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जो आपको गाइड करेगी हर स्टेप में कि आपको एक कैसे डॉग लेना है। लैब्राडोर का प्राइस डिपेंड करता है कि आप उसे कहां से और किससे ले रहे हैं। अगर आप इंडिया में किसी लोकल पेट शॉप से ले रहे हैं तो लैब्राडोर का प्राइस स्टार्ट होगा 8,000 रुपये से और वो जा सकता है 15,000 रुपये तक। दूसरी तरफ अगर आप किसी ब्रीडर से ले रहे हैं तो लैब्राडोर का प्राइस स्टार्ट होगा 20,000 रुपीज से और वो जा सकता है 50,000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्रीडर कितना रेप्यूटेड है, किस तरह की क्वालिटी वो आपको दे रहा है और किस जगह पे वो ब्रीडर सिचुएटेड है। अगर आपको जानना है कि इन जनरल आपको डॉग कहाँ से लेना चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। लैब्राडोर को अपने घर में रखने में महीने में कितना खर्चा जाता है ये बताने से पहले मैं आपको इस ब्रीड की स्मेलिंग पावर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये नंबर 5th ब्रीड है जिसके पास सबसे ज्यादा स्मेलिंग पावर है, और इसी की वजह से इंडियन फोर्सेज इसे यूज करती है गुमशुदाओं की तलाश के लिए, चोरों को ढूंढने के लिए, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, या फिर बॉम्ब्स, ड्रग्स या आपके सूटकेस में किसी तरह का इलीगल सामान तो नहीं है ये पता करने के लिए। तो अगर आपको इस स्किल को अपने डॉग में जिंदा रखना है और काम में लेके आना है तो अपने डॉग को वॉक करवाती बार आप बीच में कहीं छुप सकते हैं, और मेरा विश्वास करो ये आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ढूंढ लेगी। जब हम मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं एक लैब्राडोर को अपने घरों में रखने का, तो मेन खर्चा जो आपको करना होता है वो होता है खाने का खर्चा। अगर आप इसे स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो आपको 3,000 रुपये का पर मंथ खर्चा आएगा, और अगर आप इसे प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो आपको लगभग 5,000 रुपये का पर मंथ खर्चा आएगा। ध्यान रखें कि लैब्राडोर को बहुत ज्यादा खाना खाने मत दे, क्योंकि आसानी से मोटे हो जाते हैं और लेजी भी हो जाते हैं। वैक्सीनेशन की कॉस्ट पपीज के लिए थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंट वैक्सीनेशन चाहिए होता है। ऑन एवरेज अगर देखें तो 800 से 1,500 रुपये तक का खर्चा आएगा सिर्फ वैक्सीनेशन का। डिवॉर्मिंग की मेडिसिन कोई ज्यादा महंगी नहीं होती, तो आप 100 रुपीज पर शेड्यूल खर्च सकते हैं। लैब्राडोर को मेंटेन करना काफी ज्यादा आसान होता है, तो ग्रूमिंग के लिए आप 500 से 1,000 रुपीज खर्च सकते हैं पर मंथ, जो इंक्लूड करेगा शैम्पू, ब्रशेस, नेल क्लिपर्स या ऐसी ऐसी चीजें। ऑन एवरेज अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात करें एक लैब्राडोर को अपने घरों में रखने का, तो वो होगा 4,000 रुपीज अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं, और अगर प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो वो होगा 6,000 रुपीज। लीश, कॉलर, बोल्स, टॉयज, क्लोथ्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप हर महीने नहीं लेते, तो मैंने इसका प्राइस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पे एक बड़ी वन टाइम कॉस्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लैब्राडोर आगे जाके बच्चे पैदा ना करे या इन जनरल हीट पे ना आए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो आप स्पे एंड न्यूट्रल की सर्जरी करवाते हो। इस सर्जरी की कॉस्ट स्टार्ट होती है 4,000 रुपीज से और जा सकती है 12,000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पे रह रहे हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको जानना है कि कौन सी डॉग ब्रीड लेना आपके लिए सही है तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक कर दो।